इफ यू आर अ मुंबईकर और पुणेकर, हम सब अवेयर है पावना लेक से और यहाँ की ब्यूटी से, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स। एंड अगर ऐसे सीजन में मैं आपको बताऊँ कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हिडन जेम विच यू कैन सी राइट बिहाइंड मी, जिसके एक्सटीरियर्स आपको पूरे फ्रेंच एस्थेटिक्स की वाइब देंगे, एंड एट द सेम टाइम सच प्रीमियम प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर माई चॉपमंच फैम एट अ वेरी बजट प्राइस। देन हाउ अबाउट दैट? हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल Chopmunch Repeat, and welcome back to yet another staycation vlog. This time we are welcoming monsoon with this beautiful Pavna Lake. लोनावला में बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज देखी होगी, बट मुझे अक्सर ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि शमा हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ जो कपल्स फ्रेंडली हो, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल हो, सामने खूबसूरत सा व्यू हो, एंड वो सारे अमेनिटीज हो जो हम लोग पसंद करते हैं। एंड ऐसे ही मेरे वांडरलस्ट लवर्स के लिए मैं आज आपको लेके आई हूँ जम्बो पैराडाइज में। एज द नेम सजेस्ट, दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग लेस देन अ पैराडाइज। एंड डिड आई टेल यू कि यहाँ पे आप अपना कपल स्टे बुक कर सकते हो सिर्फ 6,000 रुपीज में, दैट टू including breakfast and including kayaking experience in the beautiful Pavna Lake. But कैसे, ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। आज के वीडियो में ना मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ बहुत सटल रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी की वाइब इतनी ज्यादा सटल एंड इतनी ज्यादा एस्थेटिक है, why not to start from the property tour straight away, come with me. जैसे ही आप कॉटेज की तरफ जाते हो, आपके कॉटेज की एंट्री के बाहर ही यू गेट दिस ब्यूटिफुल पैटियो where you can sit, enjoy your coffee, enjoy this birds chirping and this beautiful view of Pavna Lake. I mean, just look at that, isn't it dreamy? Welcome to our stay for today. So this is Jumbo Paradise ब्यूटिफुल कॉटेज, जहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है ये लवली लिविंग रूम एरिया। आई पर्सनली लव दिस प्रॉपर्टी सो मच, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आए हुए एक डेढ़ घंटा हो गया है, मैंने पूरी प्रॉपर्टी देखी है एंड इतनी सरीन वाइब बहुत दिनों से मुझे कहीं पे मिली नहीं है जितना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई लाइक हाउ दे हैव केप्ट एवरीथिंग वेरी सटल। ये प्लेस गाइज मैक्सिमम चार लोगों के लिए बहुत एप्ट है, यू विल कम टू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट यू कैन सी यहाँ पे आपको सारी अमेनिटीज मिलती है। इट इज कम्प्लीटली एयर कंडीशन, a smart TV and here you have a small kitchen area as well. Of course, आप cooking तो नहीं करना चाहोगे, but you can enjoy your meals. The cutleries they have provided here. At the same time, यहाँ पे आपको drawing room से attached ही मिल जाता है one clean washroom. आप देख सकते हो जैसे कि ये property बहुत premium है, यहाँ पे सब facilities आपको premium ही मिलेंगी. As you walk inside from the drawing room, there is also this beautiful one bedroom which is like lovely setup. इतना अच्छा लग रहा है ना, I think I'm gonna have a great time here. As you can see, इस cottage के aesthetics इतने ज़्यादा classy है. I love the paintings they have put up. ये जो corner area यहाँ पे दिया हुआ है ना, this lounge setup, you can sit here, you can enjoy this lovely view. It is so worth the money and my God, this is something I deserve after a hectic work schedule. Bedroom में भी आपको हर तरीके की amenities दी हुई है. There's a separate TV here, there's a dressing area, a closet and a washroom here as well. इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे दो से चार लोग आराम से रह सकते हैं। ये तो हो गई कॉटेज के अंदर की बात, अब जब मैं आपको बाहर के एस्थेटिक्स दिखाऊंगी ना, आप बोलोगे शमा आप ये क्या ढूंढ के लाए हो हमारे लिए। There's a reason I call this place a hidden gem. You'll see why. आप देख सकते हो बाहर यहाँ पे इतना खूबसूरत पाथवे बनाया है इन्होंने, यहाँ की लैंडस्केपिंग मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत ग्रीनरी है। लुक एट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये, एंड इतनी शांति है ना यहाँ पे कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज नो चांस मैं लोनावला में हूँ, क्योंकि लोनावला आजकल बहुत क्राउडेड हुआ है। टुडे इज अ वीकेंड, वीकेंड के टाइम पे आजकल लोनावला में इतनी रश होने लगी है एंड ऐसे टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये लोनावला है। ये लोनावला की कोई बिल्कुल अलग साइड में देख रही हूँ जो पावना लेक से लग के है। यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव गिवन दिस ब्यूटिफुल गजिबो सेटअप, जहाँ पे अगर आप ग्रुप में आ रहे हो ना
So you can chill, you can have your party. I think it looks wonderful. And this is like your own private area जहाँ पे आप chill कर सकते हो. You can relax, you can enjoy the view. ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारे areas हैं जहाँ पे आप बैठ के relax कर सकते हो. I think this place is something very unique and very hidden क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस place के बारे में. मैं चाहती हूँ कि मेरी video के through ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. कितना अच्छा लगता है ऐसे जब बाहर आके हम लोग ऐसे हरे हरे lawn में walk करते हैं. यहाँ पे इन्होंने ऐसे थोड़ी सी sitting provide की है जहाँ पे आप बैठ के ये व्यू एंजॉय कर सकते हो. एंड इसी के सामने हियर वी हैव अ स्विमिंग पूल एरिया. सो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है. सिंस दे हैव ओनली 4 cottages तो यहाँ पे आपको कभी भी ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी. एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू बुक दिस प्लेस देन आई विल सजेस्ट कि आप इमीडिएटली बुक करो, अदरवाइज शायद बुकिंग भी नहीं मिलेगी बिकॉज आई थिंक दिस प्लेस जैसे ही लोगों को पता चलेगा ना यू बुक होने वाली है. एंड नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम विद मी टू अ वेरी स्पेशल प्लेस. डिड आई टेल यू कि यहाँ पे आपको स्टे के साथ एक्सक्लूसिव पावना लेक का एक्सेस भी मिलता है. तो आप पूरा नीचे लेक तक जा सकते हो. कम आई शो यू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. So you have to walk down a few steps and you come to this another garden area. You can see the beautiful gazebo sitting here as well. And you know what is the best part? Come with me. Is this lovely swing which is right here. इसके सामने ना मुझे कुछ नहीं दिख रहा. I can only see the lovely Pauna Lake. And wow, क्या लग रहा है, हल्का हल्का कोहरा हो रहा है. I think बारिश भी होने वाली है. Can't wait for this monsoon. It's like 5 p.m. in the evening and now we are going for our kayaking. इतनी मस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे. Monsoon is about to come and I can't imagine कि यहाँ पे कितना खूबसूरत लगने वाला है. Along with your stay, you get a complimentary kayaking experience, which is like amazing. जिन जिन को पसंद है ना, who all are water babies, they are going to have a lovely time here. Our second day in this property today, woke up to a beautiful view and had some really delicious breakfast. यहाँ पे आपको stay के साथ complimentary breakfast मिलता है. What I really liked is the caretaker service here. They are very attentive and उसी के साथ आपको खाने में भी अच्छे options मिल जाते हैं. So you can enjoy a complete staycation experience, that too in a very good cost. Gonna end this video right here. अगर आपको और कोई भी सवाल हो तो बेझिझक मुझे नीचे comments में पूछना. अब मैं आपको जो special प्राइस बता रही हूँ कि आप इस स्टे को बुक कर सकते हो फॉर ओनली ₹6,000 दैट टू फॉर 2 people. ये प्राइस सिर्फ मेरी चौपमंच की ऑडियंस के लिए है. डिटेल्स आई एम गोना प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अगर जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप बुक करोगे तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्पेशल ऑफर प्राइस. सो आई सजेस्ट डोंट वेट फॉर एनी लॉन्गर, जस्ट बुक इट राइट अवे. इस वीडियो का शाउट आउट जाता है शुभम कोइंडे को. थैंक यू सो मच शुभम फॉर योर लवली कॉमेंट. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट्स में अपने आने वाले प्लान्स या यू नो कुछ ऐसे रिक्वेस्ट रखते हो जो मैं अपने अगली वीडियोस के लिए यूज कर सकती हूँ. सो कीप डूइंग दैट. आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर फन, मोर अमेजिंग. टिल देन बाय गाइस, लव यू, टेक केयर.